शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासी पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली बीजेपी के नेता अभी के पालिका बाजार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। पालिका बाजार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं ये तस्वीर भी देख सकते हैं, शराब की बोतल वाली जो एक होर्डिंग कह लीजिए, उसी में मुख्यमंत्री की तस्वीर है और दिल्ली का शराब घोटाला लिखा हुआ है और विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। संजय सिंह की तस्वीर, मनीष सिसोदिया की, अरविंद केजरीवाल की, सब पर शिकंजा है। और एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। अब प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है वो भी सुन लीजिए। शराब घोटाले के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। चिंडी मॉडल के जरिए उनके घर की तस्वीर जो है वो नॉट प्लेस में बकायदा प्रदर्शन जो है वो लगाई गई है। वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ हैं। सर, 3D एक पूरी इमेज जो है वो रखी गई है। आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर उपवास कर रही है। ये है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का ताजमहल। आम आदमी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी उनके अय्याशी के जलवे देखिए। आम आदमी के घर में स्विमिंग पूल होता है क्या? दिखाए आम आदमी। आम आदमी के घर में ये टेनिस कोर्ट होता है क्या? आम आदमी एक पेड़ की टहनी नहीं काट सकता। इस आम आदमी के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे बंगले को बनाने में सैकड़ों पेड़ काट दिए। ये है आम आदमी की कहानी। दिल्ली की जनता को लूट के इस अय्याशी का सम्मान अरविंद केजरीवाल ने बनाया। आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, वो कह रही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है वो उनकी इंस्पिरेशन है और दिल्ली के अंदर अरविंद बीजेपी से निपटने के लिए उनकी ये सेना ही काफी है। देखिए, एक भ्रष्टाचारी पार्टी के लिए एक भ्रष्टाचारी आदमी इंस्पिरेशन हो सकता है। वो इंस्पिरेशन उनकी ठीक है क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार, उनके पार्टी भी भ्रष्टाचारी। और जहां तक रही उपवास की बात, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आज सामूहिक प्रायश्चित करना चाहिए, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी शराब से अब उनके घर पर पहुंच गई है। शराब से शीश महल तक का सफर घोटालों का सफर है, चोरी का सफर है, लूटने का सफर है।